राजस्थान बयाना में रोडवेज की अनिश्चितकालीन हड़ताल से जनता बेबस नजर आ रही है। जनता जान जोखिम में डाल वाहन या फिर खचाखच भरी लोक परिवहन बसों में सफर करने को मजबूर है। पिछले काफी दिनों से जनता इस भारी परेशानी को भोग रही है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बात केवल बयाना की करें तो यहां रोडवेज कर्मियों की हड़ताल से पिछले दिनों में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का घाटा हो चुका है। देशव्यापी आह्वान के चलते राज्य के सभी रोडवेज कर्मी 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल पर हैं, जिससे राज्य के सभी डिपो में रोडवेज बसों के पहिए थम गए हैं। किसी भी रूट पर रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा है। यात्रियों की माने तो रोडवेज बस बंद होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पवन कुमार, क्या करते हो आप? एक दुकान चलाते हैं। तो कैसा चल रहा है आपका धंधा? बहुत टफ है दुकान। क्यों है? इसलिए क्योंकि रोडवेज की हड़ताल है तो सवारी नहीं आती है इधर। से हमारी दुकान चलती है। हाँ, 10 दिन हो गए आज, कभी 100 रुपये कभी 200 रुपये इतने निकल पाते हैं, खर्चा भी नहीं निकल रहा है और उल्टा कर्ज में चल रही है दुकान।